नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लेक्चर सीरीज के अंदर ये मेरा 14वां लेक्चर है और इसमें आज मैं डिस्कस करूंगा सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जून में जो पेपर हुआ था वो किसी कारणों से कैंसिल हो गया था, इसलिए सितंबर में दोबारा हुआ था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, सावरकर के अनुसार वे कौन से तीन बंधन हैं जो हिंदुओं को जोड़ते हैं? ये हिंदुओं को जोड़ते हैं। दोस्तों, वीडी सावरकर हमारे सिलेबस में भी लगे हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। इन्होंने बोला था, पहला तो है क्षेत्र, दूसरी प्रजाति और तीसरी संस्कृति। क्षेत्र कौन सा बोला था इन्होंने? जो सिंधु के बिल्कुल आर वाला है, ठीक है, सिंधु के आर वाले ही हिंदू है। दूसरा उन्होंने बोला था प्रदेश, और तीसरी प्रजाति। प्रजाति में इन्होंने आर्य प्रजाति, डिफरेंट टाइप की प्रजातियां है, और संस्कृति, हिंदू संस्कृति ही इन्होंने बात की थी। क्वेश्चन नंबर दो, सहभागी लोकतंत्र का विचार का अभ्युदय किसके साथ हुआ? सहभागी लोकतंत्र का, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का हुआ था रूसो की जनरल विल से, क्योंकि जो रूसो की जनरल विल थी वो पार्टिसिपेटरी नेचर की थी, क्योंकि वो हर व्यक्ति उसमें अपना पार्टिसिपेशन देते थे। प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया? मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन प्लेटो ने किया था, सबसे पहले गुफा के रूपक के द्वारा, दूसरा विवक्त पंक्ति के रूपक, और तीसरा रूप के सिद्धांत के द्वारा। तो मतलब तीनों सिद्धांतों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चार, निम्नलिखित में से किसने बौद्ध धर्म को मार्क्सवाद का नैतिक एवं उदार विकल्प के रूप में माना? तो ये बी आर अंबेडकर ने माना था। दोस्तों, आपको पता है इन्होंने 1956 के अंदर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। जॉन रोज के न्याय के सिद्धांत में शामिल है, ये है उदारवादी लोकतंत्र, समादेशित अर्थव्यवस्था तथा वितरणशील न्याय। दोस्तों, जॉन रोल के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आते हैं। तो ये उदारवादी चिंतक है। इसका कैसे? ये एक तो पहली बात तो उदारवादी चिंतक है, दूसरा इन्होंने डेमोक्रेसी की भी बात की है, और तीसरा समादेशित अर्थव्यवस्था। समादेशित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? कि ना तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई अमीर होगा, ना ही बहुत ज़्यादा गरीब होगा। जो गरीब है उसको अमीरों से टैक्स द्वारा उसे रिजर्वेशन दी जाएगी, और वितरणशील न्यायालय, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की भी बात की है। क्वेश्चन नंबर छः, निम्नलिखित में से किसने वर्तमान युग के संघर्ष को सर्वभक्षी, सामूहिक, अहम, चाहे राष्ट्र का हो या वर्ग का, तथा स्वाधीनता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के बीच के संघर्ष के रूप में परिकल्पित किया? ये किया था अरविंदो ने, ठीक है, अरविंदो घोष ने। सॉरी, ये 6 का एमएन रॉय ने किया था, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है एमएन रॉय ने किया था ये। क्वेश्चन नंबर 6 और सॉरी 7, प्रतिरोधी तथा अप्रतिरोधी अंतर विरोध के बीच अंतर किसने किया? दोस्तों, माओ ने एक बुक लिखी है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, उसके अंदर उन्होंने प्रतिरोधी और अप्रतिरोधी के बीच अंतर किया है। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर वाद विवाद के सही अनुक्रम को पहचानिए। मतलब जो राजनीतिक सिद्धांत का अंत की एक बहस उठी थी वो कहाँ से शुरू होती है? तो सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के ऊपर डेविड ईस्टन 1953-4 के अंदर इनकी बुक आती है, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। तो सबसे पहले ये है, उसके बाद आते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंत पर पीटर लासलेट, ठीक है, उसके बाद है राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर डहल, और सबसे लास्ट में आता है राइमर। राइमर ने बोला था कि राजनीतिक सिद्धांत डॉग हाउस में चला गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9,
इसमें आपको लेखकों को उनकी पुस्तकों के साथ जोड़ना है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है मैकफर्सन की, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो सी का चार है, सी का चार सिर्फ यहाँ पे है, सी का चार बी में है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आगे मैं कर लेते हैं इसमें, डेविड हेल्ड एक का यहाँ पे दिया है दो, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी सी का चार जो हमने कर लिया है, और बी का दिया है तीन। जे लेवी ने लिखी है डेमोक्रेसी, जे लेवी ने लिखी है डेमोक्रेसी। ओके फ्रेंड्स, सी पैटमैन ने लिखी है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है, बिल्कुल जॉन स्टुअर्ट मिल एक अनिच्छुक लोकतंत्रवादी है, सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि सभी लोग लोकतंत्र के अनुरूप है? बिल्कुल भी नहीं, सभी लोग लोकतंत्र के अनुकूल हो ही नहीं सकते हैं। कुछ लोग डिक्टेटरशिप वाले होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ लोग क्या पसंद करते हैं, लोकतंत्र को करते हैं, कुछ लोग मतलब डिक्टेटरशिप को भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आर गलत है, तो इसका सही आंसर है ए सही, परंतु आर गलत है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सच है? संसद किसी भी विषय पे कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है। रानी मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करती है, बिल्कुल सही बात है। हाउस ऑफ कॉमन द्वारा पारित किसी भी विधेयक को हाउस ऑफ लॉर्ड 2 साल तक विलंबित कर सकता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेवारी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये बिल्कुल तीनों सही है, ये प्रेजिडेंट जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पे लागू होता है, तो इंडिया पे भी इसी टाइप का लागू होता है। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन सभी कानूनों को नहीं रोक सकती है, जो वित्त विधेयक है उसको सिर्फ 1 महीने के लिए रोक सकती है, और इंडिया में उसे रोक सकते हैं 14 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें निर्वाचन प्रक्रिया और देश की, किस देश की निर्वाचन प्रक्रिया किस टाइप की है? तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये दोस्तों इंडिया के अंदर भी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इंडिया के अंदर भी है और ये यूएसए में भी है। द्वितीय बैलेट प्रणाली का मतलब है अगर एक बार में व्यक्ति को जीत हासिल नहीं होती है तो दोबारा वोट कराया जाता है, और द्वितीय बैलेट प्रणाली के बारे में फ्रांस में बोला जाता है कि पहले व्यक्ति दिल से वोट करते हैं और दूसरी बार दिमाग से, तो ये फ्रांस के अंदर है। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली जर्मनी के अंदर है, और पार्टी सूची प्रणाली आपको पता ही होगा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो 12 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13, संरचनात्मक कार्यवाद मूलतः है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है? जांच पड़ताल करने का एक ढांचा है जिसके अंदर हम जांच पड़ताल करते हैं विकासशील देशों में कि क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, एसपी हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक क्षय तब होता है? दोस्तों एसपी हंटिंगटन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्योरी में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है। तो इन्होंने एक थ्योरी दी है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, जिसके अंदर इन्होंने इंस्टीट्यूशनल मॉडल दिया है। दोस्तों इस बात को आप नोट कर ले, इंस्टीट्यूशनल मॉडल या इंस्टीट्यूशनल थ्योरी दी है एसपी हंटिंगटन ने, और इसमें ये बोलते हैं अगर राज्य में इंस्टीट्यूशन स्थापित होते हैं और कार्य उनका ठीक ढंग से चल रहा है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। अगर इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे बन गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे योजना आयोग बन गया, यहाँ पे नीतियाँ हर दिन लाई जा रही है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है ढंग से, और इम्प्लीमेंट हो भी रही है और कुछ दिन चल रही है, तो क्या हो रहा है, पॉलिटिकल डिके। अगर एक नीति बनी है फॉर एग्जांपल जनधन और जनधन योजना, अगर वो
लॉन्ग टाइम के लिए रन कर रही है। अगर तो ऐसा है कि 1-2 महीने चली या 1-2 साल चली तो पॉलिटिकल डिके है, और अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए चली तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तो इसके अंदर इन्होंने जो बोला है पॉलिटिकल डिके, इन्होंने बोला है अगर जन गतिशीलता और जन सहभागिता संस्थायन की तुलना में कम होती है, अगर जन गतिशीलता और जन सहभागिता इंस्टीट्यूशन की तुलना में कम होती है तो क्या होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तब होती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। संस्थान में जटिलता और सरलता दोनों विशेषताएं होती है, बिल्कुल इन्होंने ये बात की है, लेकिन ये यहाँ पे राजनीतिक क्षय के बारे में लागू नहीं होती है। संस्थाएं दीर्घायु होती है, दीर्घायु होती है, मतलब अगर संस्थाएं दीर्घायु होती है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने आपको बताया ना अभी कि अगर संस्थाएं लंबे टाइम तक चलती है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। तो इसमें करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए, जन गतिशीलता तथा जन सहभागिता दोनों का योग संस्थान की तुलना में अधिक होता है। मतलब उतने इंस्टीट्यूशन बन ही नहीं रहे, उतनी योजनाएं बन ही नहीं रही है जितना कि लोगों को चाहिए, लोगों की जितनी जन सहभागिता है उतनी उतने इंस्टीट्यूशन नहीं बन रहे, तो पॉलिटिकल डिके होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यूएस सीनेट दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, बिल्कुल कई बार आ चुका है। बहुत कम चीजें ऐसी है जो राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा सीनेट के अनुमोदन के बिना कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम काम सीनेट इनकी अनुमति के बिना कर सकता है, इसीलिए ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान किया गया है, सही मिलान किया गया है, नहीं नहीं है यहाँ पे किया गया है, आश्रयता सिद्धांत डिपेंडेंसी थ्योरी समीर आमीन बिल्कुल सही है, विकास का सिद्धांत लुशन पाई बिल्कुल सही है, परायपन का सिद्धांत एलिनेशन थ्योरी, एलिनेशन थ्योरी दी है कार्ल मार्क्स ने, इससे पहले ये हीगल ने भी दी थी, और उसके बाद अभी हर्बर्ट मार्क्यूज ने भी परायपन का सिद्धांत दिया है, या आपका एलिनेशन की थ्योरी दी है। नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया है रॉबर्ट नोजिक ने, जो नियो लिबरलिस्ट है उन्होंने दिया है, जॉन रोल्स ने ये नहीं दिया है, जॉन रोल्स है लिबरलिस्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे रॉबर्ट नोजिक होता तो ये बिल्कुल सही होना था। तो 1, 2, 3 सही है और चौथा गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2, 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण भारत और यूके में सर्वमान्य है, मतलब भारत और ब्रिटेन में एक जैसे है, संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता केवल इंग्लैंड में है, भारत में विधि की सर्वोच्चता है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है ना कि संसद, लिखित संविधान, दोस्तों इंडिया में लिखित संविधान है लेकिन ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, द्विसदनीय पद्धति बिल्कुल सही, इंडिया में राज्यसभा लोकसभा और इंग्लैंड में लॉर्ड और कॉमन हाउस, सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का प्रधानमंत्री नेता होता है, बिल्कुल सही। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 और 4, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया, बहुसंख्यक मतलब बहुलता एक मतपत्र प्रणाली जो पार्टी द्वैधता की ओर प्रवृत्त होती है, ये दिया है रायकर ने, रायकर या रियकर प्रपोजिशन भी से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, यूरोपीय चिंतकों द्वारा विकसित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत 1950 के दशक में यूएसए के समाज विज्ञानियों के बीच गर्मा गर्म चर्चा का विषय बना था, दोस्तों ये बना था विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, क्योंकि 1950 के दशक में बर्न हम हुए हैं, इन्होंने मैनेजरियल सोसाइटी दी है जिसमें कि मैनेजर को विशिष्ट वर्ग में रखा गया है, और भी बहुत सारे जैसे कि मैनहेम आपके और रॉबर्ट एडहल ने भी विशिष्ट वर्ग सिद्धांत के बारे में बात की, तो ये अमेरिका से थे। क्वेश्चन नंबर 20, रेल्फ मिलीबैंड ने राज्य को शासक वर्ग के हाथों में उपकरण के रूप में देखा, इसका क्या मतलब है, ये मार्क्सिज्म की तरह बात कर रहे हैं कि राज्य क्या है, शासक वर्ग के हाथों का उपकरण मात्र है, तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण इसके अंतर्गत रखा जाता है, वो रखा जाता है साधक राज्य, साधक राज्य जिसके द्वारा अपने कार्यों को साधा जाता है, ठीक है,
अपने कार्य साधे किए साधे जाते हैं उपकरण के द्वारा, क्या है, हम अपने कार्यों को सरल बनाते हैं, उसको करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? दोस्तों बहुत सिंपल है, जय प्रकाश नारायण, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी लगे हैं तो आप इनको ढंग से पढ़ लें। जय प्रकाश नारायण ने 1934 के अंदर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के अंदर समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था और उसमें 14 सूत्रीय फॉर्मूला दिया था, लेकिन भारत की संविधान सभा या सरकार ने 14 सूत्रीय फॉर्मूले को नहीं अपनाया था, जिसके कारण ये भारत सरकार जब बनी थी उसके अंदर किसी भी मंत्री पद के ऊपर भी नहीं गए थे, मतलब सरकार का भी इन्होंने ये पार्ट नहीं बने थे और इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। संविधान सभा की प्रारूपण समिति, प्रारूप समिति के एक सदस्य ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा नामित राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होगा, उस सदस्य की पहचान कीजिए, तो वो है टीटी कृष्णचारी। और दोस्तों ये आपको रटने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, वैसे याद नहीं होंगे आपको। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। और ये पुस्तकें हैं, सबसे पहले देखते हैं थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, ये लिखी है एंथनी डी स्मिथ ने, एंथनी डी स्मिथ ने। तो चार का है एक, चार डी का है एक, तो डी का एक दो जगह है यहां पे। उसके बाद देखते हैं अगला, अगला है इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज, इंडिया ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज लिखा है पामेला शर्मर स्मिथ ने। डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इंडियन स्टेट, ये लिखा है पार्थ चटर्जी ने। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, टी वी सत्यमूर्ति ने। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24, सूची एक को सूची दो के साथ आपको मिलाना है और इसमें आपको बताना है कि किस राज्यपाल ने किस मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया। अभी ये शायद इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता है, फिर भी हमें ये देखना तो पड़ेगा। सबसे पहले है आपके अजय मुखर्जी, जो मुख्यमंत्री थे अजय मुखर्जी को बर्खास्त किया था धर्मवीर ने। चरण सिंह को बर्खास्त किया था गोपाल रेड्डी ने। एन टी रामाराव को बर्खास्त किया था रामलाल ने। और फारूक अब्दुल्ला जो जेएंडके के मुख्यमंत्री थे जगमोहन ने उन्हें बर्खास्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का संबंध भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन से था? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से पहले हमारे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। भारत के किस राज्य में विधानसभा में सीट धार्मिक आधार पर आरक्षित होती है? तो ये सिक्किम में होती है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 27, सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने के लिए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है? उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? दोस्तों यह है रॉबर्ट मेल्सन और हावर्ड वॉल्प का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षेत्रीय दलों का सही स्पष्टीकरण करता है? क्षेत्रीय दलों का, ठीक है, राज्य राज्य के राज्य के ढांचे और राजनीतिक व्यवहार का लोकतंत्रीकरण। बिल्कुल, जो क्षेत्रीय दल है वो लोकल लेवल पर काम करते हैं और उसको उसका मतलब लोकतंत्रीकरण की ये कोशिश करते हैं। कल्याणकारी राज्य में कटौती के फलस्वरूप स्थानीय और क्षेत्रीय हितों की पुनरुत्थान और अभिव्यक्ति नव उदारवाद में परिवर्तन। दोस्तों जब कल्याणकारी राज्य में कटौती होती है ना, जब राज्य क्या कल्याण के काम नहीं करता है, वेलफेयर के काम नहीं करता है, तो क्षेत्रीय दल उठ खड़े होते हैं और मांगे उठाना शुरू कर देते हैं और उसी दम पे देखो आज कितने क्षेत्रीय दल बन चुके हैं। आधुनिकीकरण के पैराडाइम ने क्षेत्रों का निरूपण स्थानिक इकाइयों के रूप में किया है? नहीं। उसके बाद है अल्पसंख्यक राष्ट्रों राज्य हित राष्ट्रों का राजनीतिकरण। बिल्कुल सही बात है, अल्पसंख्यक राष्ट्र
अब यहाँ पे राष्ट्र का मतलब इंडिया नहीं है, अल्पसंख्यक राष्ट्र जैसे हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र बने हैं। इंडिया के अंदर हजारों राष्ट्र है, तो नेशनलिज्म की थ्योरी भी आपको क्लियर रखनी पड़ेगी। तो इसका 28 का करेक्ट आंसर है सी, 1, 2 और 4। किसकी पुस्तक में जाति को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है? अंतर्विवाही गुट या अंतर्विवाही गुट समूह जिनका एक जैसा नाम हो, जो आनुवांशिक रूप में उस समूह के सदस्य हो, जो सामाजिक संपर्क के संदर्भ में अपने सदस्यों पर कुछ बंधन लगाए, साथ ही अपनी सामान्य उच्च का दावा पेश करने के लिए, या तो वे एक सामान्य पेशा अपनाएं और सामान्य तौर पर एक ही समरूप समुदाय का अंग माना जाए। तो ये बात की है ई ब्लंट ने। ई ब्लंट। भारतीय संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? ये तीनों शक्तियां शक्तियां कौन सी है? राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण की परस्पर प्रतिद्वंदी शक्तियां। ठीक है, ये तीनों शक्तियां सापेक्षिक हैं और एक दूसरे की सीमाओं में अतिक्रमण करती है, कभी एक दूसरे के विरोध में खड़ी हो जाती है, कभी सहयोग करती है, लेकिन उनमें सामंजस्य कभी भी नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद और भूमंडलीकरण में कभी भी सहयोग नहीं हो सकता है, लेकिन उनके बीच लड़ाई हमेशा रहती है। तो ये बात की थी एरी एम कोकोविज, कोकोविज ने ये बात की है, सॉरी केकोविज ने ये बात की है। तो आप बिल्कुल इसको भूलना नहीं है, इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसने प्रशासन को अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन निर्देशन के रूप में परिभाषित किया? दोस्तों पब्लिक एड का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये बात की थी JM पिफनर ने कि मतलब प्रशासन का मतलब क्या है, जिसके द्वारा हम संसाधनों को, भौतिक और मानवीय संसाधनों को प्राप्त कर सकें या उनको निर्देशित कर सकें। किस साल की विश्व बैंक रिपोर्ट में सुशासन और विकास के लिए सिविल सोसाइटी में सहभागिता पर बल दिया गया? दोस्तों ये दिया गया था 1992 में। किसी विभाग में प्रशासनिक अधिकार यदि एक ही व्यक्ति में केंद्रित हो तो वो प्रणाली कहलाती है ब्यूरो, जैसे अमर उजाला ब्यूरो, दैनिक जागरण ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब क्या है? अमर उजाला ब्यूरो की वहां पे सिर्फ एडिटर ही वहां का हेड है, जो भी प्रशासनिक अधिकार और शक्तियां हैं वो एक ही व्यक्ति में एडिटर के अंदर है। कमीशन कमीशन बनते हैं, कमीशन के अंदर बहुत सारे मेंबर होते हैं, परिषद भी आपको पता है जैसे जिला परिषद टाइप की, तो उसमें भी बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं, और बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड में भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो ब्यूरो में सिर्फ एक व्यक्ति होता है जिसके पास शक्तियां होती है। राज्य सरकार का अंकेक्षण है, राज्य सरकार का अंकेक्षण करता है, ये केंद्र का विषय है, राज्य सरकार का अंकेक्षण करना। अवधि समापन, लैप्स का नियम क्या है? लैप्स के नियम का अर्थ है लैप्स, लैप्स समझते हैं ना, जब कानून कोई खत्म हो जाता है या विनियोग खत्म हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे है विधानमंडल द्वारा वोट किए गए सभी विनियोग वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं, जिसे लैप्स बोला जाता है। जिसे बोलते हैं ना कि यूनिवर्सिटी के लिए 5,000 रुपये आए हैं पिकनिक के लिए, अगर आप लोग पिकनिक पे गए तो वो पैसे यूज हो जाएंगे, अगर नहीं गए तो वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा मतलब वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे पैसे या वापिस चले जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा आरंभ की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा द्वारा। ठीक है, राज्यसभा के द्वारा 312 के तहत। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आपको सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के थिंकर है, तो देखते हैं इनको। डब्ल्यू एफ विलोबी ने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 के अंदर लिखी है। मैरी पार्कर फॉलेट, फॉलेट क्रिएटिव एक्सपीरियंस इन्होंने बुक लिखी है, मैरी पार्कर फॉलेट ने। मुनी एंड रिले, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बुक लिखी है 1938 के अंदर।
और हेनरी फ्योल ने लिखी है इंडस्ट्रियल जनरल मैनेजमेंट 1911 के अंदर। तो 37 का करेक्ट आंसर है बी, 38 का करेक्ट आंसर है बी, सॉरी 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? आईपीएस इंडियन पुलिस सेवा बिल्कुल है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय वन सेवा आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस। लेकिन भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है, ये सेंट्रल आपकी सर्विस है, लेकिन ये तीन हमारे पास क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। प्रबंध के ग्रिड की अवधारणा दी है ब्लैक और मूटन ने, ब्लैक और मूटन ने दी है प्रबंधकीय ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता? आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य सुनिश्चित अवधि तक अपने पद पर रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें टाइम से पहले नहीं हटाया जाता, इसलिए क्या है वो स्वतंत्रता उनकी सुनिश्चित होती है। कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति द्वारा ही अपने पद से हटाया जाता है, और वो भी संविधान में दी गई विधि के द्वारा। हाँ, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता है, तो ये भी इन्हें स्वतंत्रता मिली है, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। आयोग का खर्च भारत की समेकित निधि से लिया जाता है, बिल्कुल सही बात। जितने भी इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जाम्पल आपका भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, कैग है, उनके क्या है, सारे के सारे भारत की संचित निधि से ही लिए जाते हैं खर्च, ताकि संसद का उनके ऊपर कोई दबाव ना बने। कोई सदस्य अवधि समाप्त होने पर अन्य सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्त होने का पात्र बना रहता है? पुनर्नियुक्त होने का पात्र नहीं बना रहता है। अगर पुनर्नियुक्त होने का पात्र बना रहेगा तो कहीं ना कहीं वो दबाव में रहेगा कि अगर मैंने इनका काम नहीं किया तो फ्यूचर में ये क्या करेंगे, मुझे अच्छी नौकरी नहीं देंगे या मुझे आगे प्रमोशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है कि ये पुनर्नियुक्ति तो इनकी हो ही नहीं सकती है रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें महत्व और सिद्धांत, ठीक है, सुरक्षा, सुरक्षा की बात करता है, यथार्थवाद, सिक्योरिटी इनका मेन इशू रहा है, स्वाधीनता, स्वाधीन या स्वतंत्र होता है अंतर्राष्ट्रीय समाज। तो एक का तीन, एक का तीन यहाँ पे है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए है, बी का चार है और सी का एक, व्यवस्था एवं न्याय उदारवाद से जुड़ा है और कल्याण, कल्याण यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथन को आप किस सैद्धांतिक उपागम से संबंध करेंगे? हर शक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है तथा हर ज्ञान मौजूदा शक्ति संबंधों पर निर्भर करता है। मतलब एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरी चीज एक के ऊपर वापस डिपेंड कर रही है। तो ये बात क्या कर रहा था, उत्तर आधुनिकतावाद, कि आपका जो सत्य है, सत्य कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, आप मेरी पोस्ट मॉडर्निज्म की वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने अच्छे से इसको समझाया है कि व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। अभिकथन, ये आपको अभिकथन और कारण के क्वेश्चन है। निर्भरता मॉडल के अनुसार गरीब देशों में अल्प विकास के कारक तत्व संबंधित देश से बाहर के कारक होते हैं, बिल्कुल। जो डिपेंडेंसी थ्योरी बताई थी उसमें जो डिपेंडेंसी बनाई जाती है वो बाहर के देश बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका ने डिपेंडेंसी बनाई है लेटिन अमेरिका के ऊपर, यूएसए ने किसके ऊपर बनाई है, लेटिन अमेरिका के ऊपर। तो निर्भरता हमेशा बाहरी तत्व होते हैं, देश के बाहर के तत्व होते हैं। विकासशील देशों पर पश्चिमी विकसित देशों के विदेशी पूंजीपरक हितों का प्रभुत्व होता है। तो यही तो यहाँ पे बात कर रहा है कि विकासशील देशों के ऊपर क्या है, विकसित देश डिपेंडेंसी थ्योरी को बनाए रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन की बात की गई है, ठीक है, टीएनसी या एमएनसी भी इन्हें बोला जाता है, ट्रांसनेशन कंपनी जो कि दूसरे देशों में फैली हुई है।
टोयोटा, टोयोटा कार बनाती है और ये जापान की कंट्री है। उसके बाद है आपका जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है यूएसए की। नेस्ले, नेस्ले कंपनी है स्विट्जरलैंड की। और इलेक्ट्रोक्स है कनाडा की कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, करेक्ट आंसर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें रीजनल इकोनॉमिक कमीशन की बात की गई है जो हर एक रीजन के लिए बनाए जाते हैं और इनके मुख्यालय आपको पहचानने हैं। इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, यूरोप का जो इकोनॉमिक कमीशन है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, ये इथियोपिया के अंदर है। इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका, चिली के अंदर है। इकोनॉमिक कमीशन फॉर वेस्ट एशिया का इराक में है। अब दोस्तों आप इनके नाम से ही पता कर सकते हो, यूरोप के अंदर ये है और आपका इथोपिया आपका अफ्रीका के अंदर है और ये चिली और इराक। ठीक है, तो 45 का करेक्ट आंसर है सी, सॉरी 45 का करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्व पर टिप्पणी करते हुए, मतलब जो हिमालय के सीमावर्ती क्षेत्र है उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए किस नेता ने यह कहा था कि यदि इन सीमांत क्षेत्रों का अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग तथा सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे। अनावृत हो जाएंगे मतलब वो खतरे में आ जाएंगे और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। ये बात की थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने ये क्यों बात की थी, क्योंकि जो हिमालय के सीमांत क्षेत्र थे, फॉर एग्जाम्पल आपका आंध्र प्रदेश है या फिर आपका सियाचिन का क्षेत्र है, उसके ऊपर क्या है चीन आक्रमण या अपना कब्जा करने जा रहा था, उसी के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये बात की थी। क्वेश्चन नंबर 47, किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट की अनौपचारिक घोषणा की गई है। तो दोस्तों अभी तक बहुत सारे देशों के साथ की गई है, आपने पता करना है। भारत और जापान के साथ 2010 के बाद में हुई थी और उससे पहले भारत और सिंगापुर के साथ हुई थी ये CEPA, और अभी कितने के साथ हुई है आपने चेक कर लेना है। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों ने किस कारण की, जो इंडिया और नेपाल के बीच ट्रीटी हुई थी ना 1950 में, तो उसमें क्या था, भारत ने कहा था कि भारत अपनी सेना रखेगा नेपाल की बाउंड्री पे उनकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो उससे माओवादियों को लगा कि ये तो एक असमान संधि है जिसमें कि भारत अपने आप को दादा बना हुआ है और नेपाल एक छोटा वो नेपाली अस्मिता का बढ़ता हुआ दावा, कि जो नेपाल की अस्मिता है वो भी खतरे में आ गई थी कि नेपाल को निर्भर होना पड़ रहा है पूरी तरीके से भारत के ऊपर, चीन से समान दूरी की नीति। तो भारत ने क्या बोला था, हम आपके साथ संधि कर रहे हैं लेकिन आप चीन के साथ दूरी बनाओगे अपनी। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी कारणों के ऊपर माओवादियों ने आलोचना की थी उस संधि की। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1984 में आयोजित आणविक निशस्त्रीकरण पर चार महादेशीय शांति पहल में भाग नहीं लिया था। तो ये थे जियाउल हक, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक उसमें नहीं गए थे। क्वेश्चन नंबर 50, चीन ने पाकिस्तानी परियोजनाओं खासकर ग्वादर बंदरगाह पर अत्यधिक धन खर्च किया। ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर, और उसके ऊपर बिल्कुल खर्च किया है पैसा। तथापि चीन ने अपनी उन नीतियों पर पुनर्विचार किया जिनके कारण पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई। हाँ, उस टाइम क्या किया था, चीन ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी अपनी जिससे कि पाकिस्तान को कम से कम लाभ हो सके उससे। ठीक है, तो भारतीय बाजार में चीनी माल की बिक्री के विशाल अवसर के अलावा तालिबान और अलकायदा के सहयोग से जिंगजियांग में इस्लामी कट्टरतावाद फैलते हुए जाल ने चीन को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया। यही कारण था कि उन्होंने अपनी
दक्षिण एशिया की नीति में चेंज किया और उससे क्या हुआ, पाकिस्तान को मिलने वाले महत्व में कमी आई थी। तो इसका सही आंसर है ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।